हिमाचल पुलिस व प्रेस क्लब शिमला के संयुक्त तत्वावधान में साइबर क्राइम एवं सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मर्डी ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज के डिजिटल जमाने में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग यहां तक कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपनाते हैं और पकड़े जाने पर समय के साथ ही ठगी का तरीका भी बदल रहे हैं। कार्यशाला के दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों को साइबर क्राइम से जुड़े मामलों और उससे बचाव संबंधी जानकारी भी दी गई। कार्यशाला के दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस प्रशासन साइबर अपराधियों से निपटने में पूरी तत्परता से काम कर रहा है और पुलिस के अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस काफी सक्रिय है। अगर कहीं भी साइबर अपराध संबंधित मामले सामने आते हैं तो मामले की जाँच कर त्वरित कार्यवाही की जाती है। साइबर पुलिस ने ठगी के कई मामलों को सुलझाया भी है और कई मामलों में ठगी गई रकम भी शिकायतकर्ता को वापस करवाई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध का शिकार होने वाले पीड़ित अगर तुरंत साइबर पुलिस के संज्ञान में मामले को लाते हैं तो काफी हद तक उन्हें ठगी से बचाना संभव हो जाता है। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश में साइबर अपराध से जुड़ी 10,000 से अधिक शिकायतें सामने आई हैं। अकेले साइबर थाना पुलिस को 1500 से अधिक शिकायतें मिली हैं। साइबर थाना पुलिस करीब 12 लाख से अधिक की राशि लोगों को वापस दिलवाने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई साइबर ठगी का शिकार हो भी जाता है तो वह जल्द से जल्द पुलिस और संबंधित बैंक को सूचित करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस को यह निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो थाने में बुलाकर उसकी जांच करवाई जाए ताकि आम जनता के साथ किसी भी तरह की ठगी ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दौर में एंड्रॉइड फोन का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, अन्यथा साइबर अपराधी बड़ी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों के टोल फ्री नंबरों के जरिए भी साइबर शातिर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये साइबर क्राइम के लड़ाई जो है ये एक बैटल ऑफ विट्स है, जो जितना भी हम नए नया तरीके से इसको डिटेक्ट करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले भी नया नया तरीका अपनाते हैं। कुछ साल पहले ये ऑनलाइन लॉटरी का फ्रॉड होता था, लेकिन आजकल जो है ये जो OTP नंबर मांग के जो पूरा अकाउंट से पैसा उड़ाने का प्रयास बहुत हो रहा है। हजारों में हमारे पास कंप्लेंट भी आ रहे हैं और लोगों को लगातार हम जागरूक कर रहे हैं और कई केसेस हुए हैं और जिसमें रिकवर हमने पैसा रिकवर करवाया है और वापस दिलाए हैं। और जितना भी नया नया फ्रॉड हमारे नॉलेज में आता है तो मैंने आदेश दिया है कि इस पर जो प्रिकॉशन और लेने की आवश्यकता है उसको हम जोड़ के दोबारा फेसबुक में डालते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें एक जागरूकता पैदा होगी। जैसे ऑनलाइन लॉटरी के बारे में आप पूर्ण रूप से जागरूकता है, इस कारण से जो ऑनलाइन लॉटरी का फ्रॉड आजकल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फ्रॉडस्टर्स दूसरे तरीका अपनाते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, कभी भी अपना जो कार्ड नंबर और CVV नंबर 3 डिजिट का और ये 4 डिजिट का जो वो जो आपका पिन है इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। और जब किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, शॉप्स में अगर आप जाते हैं, जो आपका पिन है उसको सीक्रेटली डालना है, किसी के सामने नहीं, और ये प्रिकॉशन भी लेना जरूरी है। और भीड़ भाड़ इलाका में ATM से पैसा निकालते वक्त काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है क्योंकि दूसरे आपका पिन को वॉच कर सकता है। जो इसलिए हमने तो पुलिस मुख्यालय में ही ATM की स्थापना की है ताकि पुलिस के जो कर्मचारी इससे बच जाए। और इसको अगर आप अकाउंट और अपना जो SB अकाउंट है उसमें जितना ज़रूरत है उतना ही पैसा रखें और बाकी पैसा जो है आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। और इससे क्या है कि ब्याज ज़्यादा उस अमाउंट से ज़्यादा कोई नहीं निकाल पाता है। जो FD का पैसा है उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है और सेफ भी रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट SB में ना रखें। वहीं इस दौरान प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने कहा कि साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर प्रेस क्लब में पहली बार इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है और इससे मीडिया कर्मियों को काफी लाभ मिलेगा।
वहीं उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब शिमला समय समय पर सामाजिक कार्यों के अलावा कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है और इसका उद्देश्य जहां सामाजिक कार्यों से लोगों की सहायता करना है, वहीं कार्यशालाओं के जरिए मीडिया कर्मियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाना है। इस तरह से प्रदेश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर हमने कार्यशाला का आयोजन किया है पुलिस महानिदेशक की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से, जिसमें पुलिस महानिदेशक SR DG आए थे और उनके विशेषज्ञ संदीप धवल जी जो SP हैं साइबर क्राइम के, वो अपना यहाँ व्याख्यान रख रहे हैं और उसको प्रेजेंटेशन की मदद से यहाँ बताया जा रहा है किस तरह ये बढ़ रहा है प्रदेश में, उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, उस विषय में यहाँ पत्रकारों को जानकारी दी जा रही है, जिससे आम लोगों तक यह बात पहुँचेगी और लोग जागरूक होंगे और उसमें थोड़ी कमी आएगी। इस तरह ये साइबर क्राइम का यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई है जिसका लोग लाभ उठाएंगे।